लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी देखने को मिल रहा था, रोड कम और पानी ज्यादा दिख रहा था। बस आप मुझे यहाँ पर छोड़ देना इसके पास, तो मैं खुद ही ऊपर चला जाता हूँ। सर के साथ बारिश काफी तेज हो गई और मुझे आइडिया भी नहीं था कि गाड़ी कहाँ से मिलेगी। इसके अंदर तो मैं नहीं चल सकता भाई। अल्लाह अकबर दादी की बैटरी लगी दिली थी। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जा रहा हूँ गाँव क्योंकि कल रात को मुझे फोन आया दादा बुका कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, उनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और उनके पास ड्राइवर भी नहीं है। राइड बुक करने के बाद मैं राइड का वेट कर रहा था, फाइनली मेरी राइड आ गई है और अब मैं जा रहा हूँ फैजाबाद की तरफ। लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी देखने को मिल रहा था, रोड कम और पानी ज्यादा दिख रहा था। नो डाउट मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। मौसमी सूरत हाल देख के मुझे अब टेंशन होने लगी कि मैं पहुंचूंगा कैसे और मुझे बस मिलेगी या नहीं। बस आप मुझे यहाँ पर छोड़ देना इसके पास, तो मैं खुद ही ऊपर चला जाता हूँ। ड्राइवर काफी अच्छा था, बट ट्रैफिक की वजह से उसने मुझे नीचे ड्रॉप किया। जो इस तरह पे भी टोटे हैं वो भी जाते हैं सवाबी। अरे देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। उतरते साथ बारिश काफी तेज हो गई और मुझे आइडिया भी नहीं था कि गाड़ी कहाँ से मिलेगी। काफी देर गाड़ी ढूंढने के बाद मुझे गाड़ी नहीं मिली और मैं स्वाद की गाड़ी में बैठ गया। इनका रूट सेम है तो ये रस्ते में मुझे ड्रॉप कर देंगे। वो अलग बात है कि 5 मिनट में गाड़ी निकल रही है का बोल के आधा घंटा वेट कराया और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास, तो मैं पीछे चुप करके बैठा रहा। लोगों के काफी जलील करने के बाद ड्राइवर धीरे धीरे चल पड़ा, पर फिर भी ये रास्ते में पैसेंजर्स बैठाता रहा। रास्ता देखा कि आप सबको बोर नहीं करूंगा, 2 दिन से नींद ना पूरी होने की वजह से अंकल को सोता देख के जहन में ये ख्याल आया। गुड यार चाचा, गुड, जबरदस्त यार, जबरदस्त। और नहीं यार, खुशी तो हम सुने चाचा, मैं तकलीफ कोई अपनी जिंदगी में जियो, एंजॉय करो जवानी दी उम्र है। ऐसे मौसम में जब आपको गर्मा गर्म पकौड़े मिले तो कौन नहीं चाहेगा कि वो उसे खाए, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे भूख लगी हुई थी बट पकौड़े बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इसके अंदर तो मैं नहीं चल सकता भाई, ये तो सारा दलदल है भाई, ये भी सारा नीचे जा रहा है। अभी मुझे मामू लेने के लिए आ रहे हैं और मैं कोस्टर से नीचे उतर गया हूँ। अब यहाँ से अब हम कहाँ पे रास्ता ढूंढे, ये तो सारा का सारा नरम है कि मैं क्या बताऊँ, पेरिस के अंदर दस जाता है। चलो अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी जो होगा। तो मैं इस वक्त कोस्टर से नीचे आ गया हूँ और मोटरवे से भी नीचे आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को कॉल की लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहा, तो दैट्स व्हाई अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं पैदल और तब तक मामू मिल जाएंगे रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा मकसद था वो ये था कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दादा ने कॉल की कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है तो आप तो मुझे लेने के लिए आ जाओ, उनके साथ मेरे वापस जाना था गाड़ी ड्राइव करके। अब उन्होंने मुझे कॉल की है कि अगर अभी आप पहुँचे नहीं हो तो वापस चले जाओ। मैंने कहा अब तो मैं पहुँची हूँ, अब क्या फ़ायदा मुझे बोलने का, अभी मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है। अभी तक मामू भी नहीं पहुँचे, यहाँ तक तो आ गए हूँ पैदल तकरीबन 1 किलोमीटर रास्ता मैंने काट लिया। खैर है, अच्छा है, वॉक भी होगी और एंजॉय भी कर लिया, मौसम भी आज बहुत हसीन हुआ है और दूर से ही हमने गाड़ी पहचान ली। या अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शीशे खाम खान सफा कहे गाड़ी सासु गाड़ी दादी गाड़ी खन स्टार्ट किया था हां, वही है उस आकाश पे पिया पूरी गया ना हां, कोई कोस होता से केरा से मुखानी ओके तो तनोरा मसाई असल के लिए उठ रहे और ना वाली गले बन लो भाई के बता की के अल्लाह खैर किया को कम जापानी रे मुझे करो ना वो फेर यू नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं ना दादा लुक्स लो शे कना खुदे तो गोरे दा बुदरी संगा ब्लॉग बन रहा है।
ये हमारे वो मामू है कि बिल्कुल चिल, हमारे दोस्तों से बढ़ कर हैं, एंजॉय करते हैं हम लोग। मामू ने बोला है कि आपकी जो गाड़ी है दादा बू की, वो स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं लग रही कि हुआ क्या है। कल रात को वो बोल रहे थे कि उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। तो मेरा यहाँ पे पहुँचने का मकसद ये था कि मैं गाड़ी को ख़ुद देख लूँ कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। और अभी उन्होंने ये बात की है कि स्टार्ट नहीं हो रही। मिशन सर वजीफा सदा मिशन दार है। हाँ जी बाबा गाड़ी की है सवाल होते हैं अगर कितना मसला था और बोले दा चीन। हाँ जी बाबा ये नॉर्मल अगर मसला था अगर बता सब पते तो सर ड्राइवर है मैंने साला सही रहनी जले गौर समा गौर हम बिहार आदम साहब सही। सलाम अलैकुम। दा गाड़ी और हां जी बाबा गाड़ी ना स्टार्ट कर ठीक ठाक अल्लाह बखैर अल्लाह बगट खैर रहा पीखी हाँ दागोर गाड़ी ता स्टार्ट पर खुदे दे दा उस मा स्टार्ट हो बदरी दा ठीक ठाक दे वे दे किसा मसला हुआ स्टार्ट हो गया पापा अल्लाह हू अकबर दादी की बैटरी लगी दिली दी ठाक दे इस मसला नहीं पे गोरा होते नगुर स्टार्ट शो से दाउद इंजन नो दाई दरी इंजन इस्तेमाल ही की द बैटरी चार्ज को लो बार। ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे तो इस बात के ऊपर आ रही है कि मैं क्या बोलूं। आई हैव नो वर्ड्स टू से दे तमानी का तो वही विदा गाड़े दे दे इस्लामाबाद ना तरदी पुरे राले मा वे यार सीधा वापस के से गाड़े चलो मुंह करो वो हम सिर्फ गाड़ी फ्री थी तो समाना खैर दे जो ना योरस बरा शल्ला पर मम्मी हम पर कर दे रखी हां ठीक भी हम गाना गलत सही खबर तेरे कम जे मर्दान मर्दान की रकम जे झंडे मरकस हां झंडे मरकस जल को डेर का खले के खतरनाक खले के संग दा से बदमाशान टूट गया। मैं तो अब पहुंचने के बाद मुझे देखने को मिला कि गाड़ी के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, बल्कि ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता गाड़ी के बारे में, क्योंकि उससे पहले उसने कभी हाइब्रिड गाड़ी चलाई नहीं थी। नर साढ़े पर ये ठूल खुली गई सिर्फ तामन में तो मेरे हो रहे लड़ाऊंगा यार। ये अभी मुझे कह रहे हैं कि ऑयल गाड़ी ने थोड़ा सा कम किया है और पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पर चेंज करेंगे। मैं देख लेता हूँ ऑयल मैंने देखा चेक किया है तो ऑयल का ये है कि ऑयल पहुंचा तो देगी आराम से। और सेकंडली ये कि इसके साथ मैंने एक चिट मैंने इसके साथ लगाई हुई होती है यहाँ पे एक टैग, तो वो पता नहीं इन लोगों ने कहाँ किया है आई डोंट नो। आप लोग इस बात को मानोगे या नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। मैं जब आ रहा था घर से तकरीबन 1 o'clock था और 1 बजे मैंने जूस पिया था, उसके बाद मैंने पकौड़े खाए और वाला इतने बेकार पकौड़े मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए जितना मैंने आज खाए हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, वो है यहाँ के कबाब, और बड़े मशहूर है यहाँ के। कभी मौका मिला तो बाद मोटरवे से दोबियान इंटरचेंज के नीचे आए खुरो चौक का पूछें और वहाँ पे एक मशहूर कड़ी लगती है कबाब की, वहाँ के यार आप खाए। मैं कहता हूँ आप मुझे दुआएं देंगे। हल्की सी ठंड, ठंडी ठंडी हवाएं और गरम गरम कबाब, यही तो है इस मौसम के सौगात। आज का व्लॉग एंड होता है यहाँ पे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस दैट प्लीज डू लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल बी वेटिंग फॉर योर प्रीशियस फीडबैक इन कमेंट्स।